सोलन में अवैध खनन पर माइनिंग विभाग ने शिकंजा कसना आरंभ कर दिया है। जो अवैध रूप से माइनिंग कर रहा है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी अमल में लाई जा रही है। सोलन के रबौन बाईपास पास पर कलोल गांव में नियमों को ताक पर रखकर खनन चल रहा था। अवैध खनन के कारण गांव के कई घरों को खतरा हो सकता था, जिसके चलते गांववासी बेहद चिंतित थे। उन्होंने इस घटना की जानकारी जिला प्रशासन और संबंधित विभाग को दी, जिस पर माइनिंग विभाग ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मौके का निरीक्षण किया और अवैध खनन को तुरंत प्रभाव से बंद करवा दिया। अधिक जानकारी देते हुए माइनिंग ऑफिसर दिनेश कौंडल ने बताया कि उनके पास कलोल वासियों की शिकायत मिली थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि उनके क्षेत्र में अवैध खनन किया जा रहा है, जिसके चलते उनकी टीम ने मौके का निरीक्षण किया। अवैध खनन को विभाग द्वारा बंद करवा दिया है। जो व्यक्ति खनन कर रहा था उसको नोटिस देकर जुर्माना लगाया गया है। उन्होंने बताया कि यह जुर्माना 50,000 तक जा है। अगर यह जुर्माना अदा नहीं करता है तो न्यायालय द्वारा उसे 2 वर्ष की कैद भी हो सकती है। उन्होंने सभी माइनिंग चला रहे संचालकों को चेतावनी दी है कि सभी नियमों का सख्ती से पालन करें, अन्यथा नियमानुसार उनके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। पर्यावरण से किसी भी तरह की छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हाँ, वहाँ पर एक्चुअली लोगों की जैसे अब हमें कंप्लेंट अवेल हुई तो विद इन हाफ एन आवर हमारी टीम वहाँ पर पहुँच गई और टीम ने पहुँच करके जो वेरीफाई किया वहाँ पर लैंड के बारे में कि किसका लैंड है और उसके अगेंस्ट एक चलान किया हुआ है और उस चलान की कंपाउंडिंग लगभग 50,000 के करीब जाएगी और अगर वो कंपाउंड नहीं करता है तो हमें इसे कोर्ट में लगाना पड़ेगा और कोर्ट में लगाने के बाद 2 साल की सज़ा भी है उसे। जो उसमें नुकसान अगर माइन उसकी वजह से हुआ है, क्योंकि हमें सब चीज़ें वेरीफाई करनी पड़ेगी, पहले कहीं शॉर्ट टर्म परमिट तो नहीं दिया गया है उसे, तो वो सारी चीज़ें वेरीफाई करके हम वो सारी जो नुकसान हुआ लैंड को वो उसी को ही भरना पड़ेगा। बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा, घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। पिया तो रखे साया अभिमान, पिया तो रा। बीती यादों